मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। मेरठ कैंट विधानसभा सीट को छोड़कर मेरठ की बाकी 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा व सपा गठबंधन के बीच रस्साकसी जारी है। वहीं प्रदेश में भाजपा अपने प्रतिद्वंद्वियों से अच्छी खासी बढ़त बनाए हुआ है। इस बढ़त को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने किसान आंदोलन फैक्टर को एक सिरे से नजरअंदाज कर दिया है। जाट बहुल्य इलाकों में भी कमल खिलता नजर आ रहा है। फर्स्ट बाइट संवाददाता शिवानी गौतम ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व कैंट प्रत्याशी अमित अग्रवाल से किसान फैक्टर पर बात की। आइए देखते हैं क्या कहा है अमित अग्रवाल ने। सर, किसान आंदोलन का जो किसानों ने बोला था कहीं ना कहीं कि बीजेपी को वोट ना दे इस चुनाव में, तो उसका कितना असर पड़ा है, आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो? देखिए, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश ही चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पार्टी ने मेरे चुनाव के बाद सहारनपुर, जौनपुर, सीतापुर, हरदोई और प्रयाग तक मुझको चुनाव में लड़ने के लिए भेजा। मैं वहाँ भी घूमा, मैं यहाँ भी घूमा। किसान आंदोलन कोई असर उसका पूरे चुनाव पर राजनीतिक पर था नहीं, वो तो केवल ये है कि सरकार से मांग लो, जो मिले में तेल अगर तो ले लो पल्ले में, चाहे बह जाए, वो स्थिति थी। किसानों को पार्टी ने, भाजपा की सरकार ने किसानों के फेवर में जो काम किए हैं, किसानों को सम्मान राशि दी, किसानों को यूरिया बिना डंडा खाए मिल रहा है, किसानों के बिजली के बिल माफ़ कर दिए, किसानों के लोन माफ़ कर दिए, 36,000 करोड़ का ऋण माफ़ कर दिया। किसानों को तो मालूम है ना कि हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। एक टिकैत के कहने से, आंदोलन पर बैठ जाने से वो सरकार का विरोध क्यों करने लगेंगे? अगर टिकैत के समर्थन में किसान होते तो आज वहाँ पर बहुत भारी संख्या के अंदर धरना होता। धरने में आप घुमा लें कितने लोग थे, शाहीन बाग में जितने लोग थे उतने लोग भी धरने में नहीं थे। तो वो धरना केवल टिकैत का धरना था, वो अपना राजनीतिक सौदेबाजी करते हैं टिकैत जी, और दोनों नरेश और राकेश टिकैत, उनका कोई प्रभाव किसान आंदोलन का इस चुनाव पर नहीं पड़ा। चुनाव का परिणाम आपके सामने, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई नुकसान भाजपा को हुआ नहीं, ब्रज प्रदेश में कोई नुकसान हुआ नहीं, भाजपा 300 प्लस में थी, 300 प्लस में आज वाले में पहुँच रही है। पश्चिम के अंदर तो आप देखिए ना कि मेरठ कैंट की जीत है। अब कहते हैं साहब किसान आंदोलन को जाट लॉबी के साथ जोड़ के कहते हैं, अब मैं शुरू से कहता था कि जाट हमको वोट देगा और जाट हमको वोट देता आ रहा है। जाट का वोट 80% मुझको मिला है, तो कहाँ जाट में मुझका असर पड़ा है? मेरठ कैंट में आप देखिए ना कि सारा क्षेत्र जाट क्षेत्र है, गंगानगर है, पल्लवपुरम है, कंकरगेड़ा है, सरना रोड है, रोडा रोड है, बागपत रोड है, सब में किसान है, सब में जाट है, सब में गुर्जर है। कितने एक एक गांव में कितनी लीड मुझको मिली है, जटौली गांव में मेरा मतदान सबसे ज़्यादा हुआ। जश्न आप एक तरह से शुरू करने वाले हैं या क्या तैयारी है अभी? जश्न तो हम अपना चुनाव के अभियान में ही कर चुके हैं। जनता ने जितना हमको जनसंपर्क में स्वागत किया, अभिनंदन किया, प्यार उंडेला है, सड़कों पर आकर दिखाया है, हम तो यही समझ रहे थे कि हमारा विजय जुलूस निकल रहा है। अब सरकार ने, प्रशासन ने कहा है विजय जुलूस नहीं निकालना है, तो हम विजय जुलूस नहीं निकालेंगे, हम प्रशासन को सहयोग करेंगे, क्योंकि जश्न तो जनता पहले मना चुकी है। धन्यवाद पब्लिक को। मैं बहुत आभारी हूँ मेरठ की, मेरठ कैंट की जनता का, जिन्होंने मुझे सड़कों पर आकर इतना प्यार जनसंपर्क के दौरान दिया था। और बूढ़े लोग, वृद्ध लोग, 102 साल की, 104 साल की अम्मा मिली मुझको, और इंतजार कर रही 2 घंटे से कि अमित अग्रवाल आएगा, मैं माला डालूंगी। 94 साल के कुर्सी डाले बैठे रहे 2 घंटे, अमित अग्रवाल आएगा लाल कुर्ती में, मैं माला डालूंगा। तो ऐसे लोगों का प्यार मुझको मिला है, नौजवानों का साथ मिला है। चुनाव मुझको नौजवानों ने लड़ाया, 3 पीढ़ियों ने चुनाव लड़ाया है। जो दादा इंतजार कर रहा था मेरी, उसका पोता ही मुझको चुनाव लड़ा रहा था। इतना अपार जन समर्थन मेरठ कैंट में मुझको मिला है, मैं बड़ा ऋणी हूँ। और मैं तो वास्तव में, मैंने कहा भी है कि मैं उनके ऋण को नहीं उतार सकता, उनके ऋण का ब्याज भी उतार दूँ तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतना बल प्रदान करे प्रभु, और इतना साहस प्रदान करे कि मैं जनता की सेवा, जिस मन से उन्होंने मेरा साथ दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, उस मन और आशीर्वाद के साथ में जो है उनका काम कर सकूँ।